वेलकम बैक टू माई चैनल वंस अगेन। और जो मैंने ब्लॉग इससे पिछला वाला डाला है उसी की कंटिन्यूटी में ये वाला ब्लॉग है। तो अगर आपने वो वाला ब्लॉग नहीं देखा तो प्लीज़ आप वो वाला ब्लॉग देखिएगा पहले, तो आपको पता चलेगा हम कहाँ से वापसी कर रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को ये दिखाना चाहती हूँ कि हिमाचल कितना सुंदर है, कितने सुंदर पहाड़ हैं यहाँ पे, कितनी अच्छी सीनरीज हैं। आई होप आपको पसंद आएगा। और यहाँ से निकलते टाइम हमें बहुत मतलब बारिश मिली, लेकिन हमने जल्दी जल्दी मतलब ट्रैवल किया ताकि जो हम बारिश में फंस ना जाएं, क्योंकि इस एरिया में लैंडस्लाइड्स बहुत ही ज़्यादा होते हैं। आई होप आपको ये जो हमारी ट्रिप थी काफ़ी पसंद आई होगी। मैंने बहुत सारे व्यूज़ कैप्चर करने की कोशिश की है। अभी बहुत जो जिस ऊंची पहाड़ी से हम आए, अब ये मोड़ से जो है हम रोड के रास्ते नीचे उतरेंगे। बहुत ही वो देखिए वो जगह, वो जो क्या है वो इन टावर, वो जो टावर है टीवी टावर या जो मोबाइल टावर नेटवर्क टावर, वहां से हम लगभग आए हैं नीचे। बहुत ही मजेदार व्यू, मतलब कश्मीर की फीलिंग आ रही है यहाँ हिमाचल में। हम सुबह देखेंगे ये चील के पेड़ हैं बड़े बड़े। चाहिए बताओ ऐसा व्यू क्या फिर मनाली में मिलेगा? ऐसा व्यू मनाली में भी नहीं मिल सकता। ये तो व्यू A1 व्यू है, A1 व्यू। देखिए ये टावर, यहाँ से हम आए हैं, ये इंटरनेट टावर यहाँ से हम आए हैं। और कितने अच्छे ग्रास लैंड है। हम पापा बहुत च्युइंगम खा पाएंगे। ये पानी की पाइप्स देखिए, पानी की पाइप्स ऐसे होती है, पानी की सप्लाई यहाँ पे। और ये पूरा जंगली एरिया ही है, बहुत दूर दूर लोग बसे हुए हैं, बहुत कम। ये रोड ना बीच में खराब है, पानी बह गया था ना उसकी वजह से। पानी बह के आता है ना, जैसे ये जो है यहाँ से पानी बह के आता होगा इसलिए। और देखिए सामने कितनी बड़ी भयंकर चट्टान है, बहुत ही ज्यादा बड़ी चट्टान। ये सारा पहाड़ी एरिया है ये, और बहुत ऊंचे पहाड़ है ये, बहुत ही ज्यादा ऊंचे। और मंदिर तो बहुत सबसे ज्यादा ऊंचाई पे था, इस एरिया के जो पहाड़ हैं उनमें से सबसे ऊंचे मतलब पहाड़ पे था मंदिर। आपको लग रहा है पहले से ज्यादा मेंटेन्ड हो गए रोड? बहुत ज्यादा। इस पहले कैसे रोड हुआ करते थे? पहले कच्चे रोड एक तरह। अच्छा, तो गाड़ी वगैरह नहीं जाती थी उनपे? जाती थी गाड़ी। हाँ। बड़े वो उससे राम राम से यानी। अच्छा, पथरीला होता था, ऐसी रोड होती थी। अच्छा, ऐसी रोड। जो पहले आया था, शादी से पहले ही आया हूँ। हाँ। गाड़ी लेके। हाँ। तो उस टाइम पे तो इतना खतरनाक था। हाँ। और ये पहाड़ों के बाद अब जो है बिल्कुल ना नीचे आ गए हम, बिल्कुल नीचे नदी और खड वाला जो एरिया है ना वहाँ की साइड पहुँच चुके। अब हम पहाड़ों से उतर चुके हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई हुई है। आप देख सकते हैं वहाँ पे पहाड़ों पे बारिश लगी हुई थी और यहाँ पर जो है बारिश नहीं है। और ये पहाड़ों से जो है जो नाले वगैरह थोड़े झरने वगैरह होते हैं उन्हीं का पानी वगैरह है। जहाँ से हम आए वो वाला पॉइंट,
जो टावर दिख रहा है ना, वो तो मैंने दिखाया था आपको। ये वाला टावर, यहाँ से आए हम नीचे। गाड़ी हमारे आगे चल रही थी वो पीछे रह गई और हम आगे निकल के आए, और इसके बाद हम रास्ता भूल गए हैं। दो रास्ते आ रहे हैं हमारे सामने और हम भूल चुके हैं कि अब कौन से वाले में जाना है। तो चलिए देखते हैं कौन से वाले में जाएंगे, तब तक मैं आपको यहाँ का व्यू दिखा दूँ। और जब जंगल में हम रास्ता भटक गए तो मैंने सोचा क्यों नहीं जंगल की सुंदरता का आनंद लिया जाए, और बाहर निकल के फिर मैंने फोटो शूट वगैरह कराया। और ये है व्यास नदी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।